कांग्रेस भ्रष्टाचार में आकर डूबी हुई है। इसकी कहानी भ्रष्टाचार से प्रारंभ होती है और भ्रष्टाचार पर जाकर के खत्म हो जाती है। ये तुष्टिकरण के आधार पर चलते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस बारे कह रहे हैं कि ये तो जहां जाते हैं मां अपनी बात को ऐसे रखते हैं। अरे ऐसे रखने की चिंता हमें इसलिए है, हम वही बात कहते हैं जो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं, आपकी तरह नहीं है। मैं जयपुर शहर के भी कागज लेके आया हूं, मुझे पता है कि आपने कहां कहां किस किस काम की घोषणा की है और आज तक वो काम नहीं हुए हैं। हम जिस घोषणा को करते हैं उसको असली जामा पहनाते हैं और जनता के बीच में जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी ये कहते हैं, इन्होंने कहा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, ये कांग्रेस के लोग जिस तरह की चुनाव आते ही अफवाह फैलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, इन्होंने सिवाय झूठ के और भ्रष्टाचार के इस देश को और प्रदेश को कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। कांग्रेस भ्रष्टाचार में आकर डूबी हुई है। इसकी कहानी भ्रष्टाचार से प्रारंभ होती है और भ्रष्टाचार पर जाकर के खत्म हो जाती है। ये तुष्टिकरण के आधार पर चलने वाले हैं, ये तुष्टिकरण के आधार पर चलते हैं। ये ने जो भ्रष्टाचार तुष्टिकरण के आधार की एक सरकार, आपने देखा होगा पिछले दिनों जो सरकार थे उसने राजस्थान के अंदर किस तरह की काम किए थे। हम उनसे कहना चाहते हैं, हम चेतावनी भी आपको देना चाहते हैं और कहना भी चाहते हैं, आपने जो काम कराए आप भी ले आइए। आपने कितनी छोटी घोषणाएं की हैं, आपका पूरा का पूरा चिट्ठा राजस्थान की जनता को जहां हम जा रहे हैं बता रहे हैं कि किस जिले में आपने कितनी घोषणाएं की हैं और कितने काम आज तक प्रारंभ नहीं हुए। ना उनकी बात मैं क्या करूं, उनकी वित्तीय स्वीकृति की क्या चले, अभी उनकी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं है और घोषणाओं के अंबार लगा दिए।